हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मोबाइल के लॉक तोड़ने के बारे में। दोस्तों, ये मोबाइल फ़ोन है रेडमी यानी EMI का फ़ोन है। आप देख सकते हैं इस मोबाइल के पैटर्न भूल चुका है, यानी इसको याद नहीं है कि कैसे इसका पैटर्न करो। देखिए, एक बार मैं इसको इस पैटर्न ऑन किया, आप देख सकते हैं ये फ़ोन स्क्रीन पे क्या आ रहा है, फ़ोन हैज़ बीन लॉक्ड, यानी कि ये फ़ोन लॉक्ड हो चुका है। और टाइमिंग दे रहा है यहाँ पर, ट्राई अगेन 4 मिनट्स, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में इसके लॉक को तोड़ेंगे बाईपास के द्वारा, जो बिल्कुल आसान है, अपने हाथ से तोड़ेंगे, ना कि कोई कंप्यूटर ना कोई मशीन से। यहाँ पे इजीली यहाँ से इसको कैसे इस लॉक को हटा पाते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोबाइल का पैटर्न है, ये मोबाइल बिल्कुल लॉक्ड हो चुका है, ये ओपन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसको हम फॉरगेट करते हैं, इसको हार्ड रीसेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी पैटर्न मैं ऑन करता हूँ, ये फ़ोन हैज़ बीन लॉक्ड, ट्राई अगेन इन 4 मिनट्स। तो इसको चलिए सबसे पहले हम इसको पावर बटन दबा के रखेंगे, पावर बटन से हम फ़ोन को ऑफ करेंगे। जैसे पावर बटन को फ़ोन से ऑफ करेंगे, फ़ोन देखिए ये पावर बटन है, पावर बटन को मैं ऑफ कर दिया, ये फ़ोन ऑफ हो चुका है, ठीक, आप देख सकते हैं। और इजीली ये फ़ोन जैसे ये फ़ोन ऑफ हो गया, अब यहाँ पे करना क्या है हमको दोस्तों, यहाँ पे ये करना है, ये पावर बटन, ये जो है पावर बटन, और इसके ठीक सामने वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप बटन दोनों दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम इसी के मदद से फ़ोन को हार्ड रीसेट करेंगे। तो चलिए, यहाँ करना क्या है, यहाँ पे पावर बटन, देखिए ये जो है पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन, यानी तीनों को एक साथ दबाए रखना है। देखिए मैं कैसे दबाता हूँ, तो इसको ये हो गया, दबाए रखेंगे पावर बटन को और इसको माइनस प्लस को अप डाउन करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गया यानी कि वाइप ऑल डाटा, और नीचे सेकंड है बैक टू मेन मेनू। तो वाइप ऑल डाटा पे मैं लाऊंगा ये माइनस बटन और प्लस बटन, यानी कि वॉल्यूम अप डाउन बटन की सहायता से हम ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे करना यहाँ पे आपको ये है, वाइप डाटा, वाइप ऑल डाटा पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाके और पावर बटन को चूज करना है। पावर बटन जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कंफर्म करने को, आपको यहाँ पे एक बार पूछेगा, तो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे कंफर्म कर देंगे तो ऐसे ही कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस इंटरफेस से पास होंगे, अब यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, एक इंटरफेस ऑन हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है आपको बैक टू मेन मेन्यू। चलिए ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं बैक टू मेन मेन्यू में। फिर यहाँ पे करना, देखिए जैसे बैक टू मेन मेन्यू पे मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ गया, एक रिबूट का, एक वाइप डाटा का, और एक कनेक्ट विद MI असिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, अभी वाइप डाटा किया था, फिर अगेन इसको वाइप डाटा पे लाएंगे और इसको पावर बटन के साथ क्लिक करेंगे, फिर वाइप ऑल डाटा पे एक बार और करेंगे, ठीक। फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, इस पर हम लाएंगे और यहाँ पे करना है कंफर्म। ऐसे ही कंफर्म करेंगे, ये EMI करके कुछ कंपनी कैसे लोगों दिखाई देगा आपको, और देखिए यहाँ पे बता रहा है आपको बैक टू मेन मेन्यू। फिर इसी पे हम क्लिक करेंगे पावर बटन पर, इसको दबाएंगे, देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गया मेरा। और यहाँ पे आपको ये करना है कि रिबूट करना है, ठीक है। यहाँ पे वाइप डाटा करने के बाद से आपके रिबूट को ला के पावर बटन को सिलेक्ट करना है, जैसे हो गया। अब यहाँ पे पूछा है, दो ऑप्शन आए, रिबूट टू सिस्टम, यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आप करना वही है, रिबूट सिस्टम पे ला के आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये फ़ोन कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं MI का लोगो आ गया और इससे ये फ़ोन ऑफ हो चुका है। अब कुछ रिबूट कर रहा है ये फ़ोन, ऑटोमेटिक अपने फ़ोन अपने अंदर को ये रिबूट कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं,
उसके बाद इसको देख पाएंगे हम लोग। तो चलिए कुछ देर तक इंतज़ार करते हैं, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ और मिलते हैं जब तक ये ऑन हो जाता है तब। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन बिल्कुल ऑन हो चुका है। ये ऑटोमेटिक ये फ़ोन MIUI 9 लाइटिंग फास्ट, यानी कि ये फ़ोन बिल्कुल इसका पासवर्ड अब बिल्कुल फॉरगेट हो चुका है। इसका पैटर्न या कोई भी लॉक हो, इसका लॉक बिल्कुल टूट चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ, आगे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको सेटअप करना है। दोस्तों ये हो गया, इसके बाद हम इसको आगे करेंगे, इसको सेटअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रीजन चेंज चूज करना है, रीजन में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये कुछ समय तक लोडिंग लेगा। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप कौन से कीबोर्ड को चूज करना चाहते हैं, यानी कि जीबोर्ड। चलिए जी, गूगल कीबोर्ड इंडिक को, गूगल इंडिक कीबोर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। लेवल सेटिंग्स इन वन स्टेप, चलिए छोड़िए इसको, इसको अभी बाद में सेट करते हैं। फीचर्स देख लेते हैं, इसके फीचर्स को लॉन करते हैं, इसको स्क्रॉल करके नेक्स्ट करते हैं, स्किप कर देंगे। यहाँ नेटवर्क से जोड़ने को बोल रहा है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट करते जाएंगे, आपको ये बोल रहा है कि सिम को सेलेक्ट करें। चलिए छोड़िए इसको, नो करेंगे, ओनली स्क्रीन लॉक। अब यहाँ पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं और पासवर्ड नहीं भी सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, नहीं भी सेट कर सकता हूँ। तो चलिए हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके इस फ़ोन को हम एग्री कर देंगे, फ़ोन ये रिकवरी मोड में आ जाएगा। एंड्रॉयड फ़ोन से सेलेक्टेड हो गया, ये थीम सेलेक्ट करने को बोल रहा है यहाँ पे, यानी कि तो आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ये सेटअप देख लीजिए दोस्तों, ये सेटअप कम्प्लीट हो चुका है और यू हैव ऑलरेडी टू ड्रॉप। आप इसको आगे की तरफ कर सकते हैं। देखिए ये लोडिंग एप्स, यहाँ पे कुछ लोडिंग दे रहा है, ये बोल रहा है कि लोडिंग एप्स। तो आप इस तरह से आप MI के फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हैं, इस किसी भी पासवर्ड को तोड़ सकते हैं और इस तरह अपने फ़ोन का इस्तेमाल पुनः कर सकते हैं। दोबारा प्रयास करें ताकि आपका फ़ोन बिल्कुल इसका लक हट सकता है। देखिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये फ़ोन बिल्कुल यूज होने के बराबर आ गया, आप देख सकते हैं फ़ोन तो यही है ना, आप देख लीजिए। टर्न ऑन फाइंड डिवाइस, इसको क्लियर करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ ओपन हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो।